नमस्कार। आज मैं आपको लूज मोशन का ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये घर पे बैठे बैठे आप कलर्स की मदद से लूज मोशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चार तरह के स्केच पेन चाहिए होंगे। ये पहले नंबर पे ब्लैक कलर, दूसरे नंबर पे पीला, तीसरे पे ऑरेंज और चौथे नंबर पे स्काई ब्लू। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कलर यूज़ कैसे करने हैं हमने। तो ये सबसे पहले हमने ये हमारे राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, ये राइट हैंड का स्मॉल फिंगर है। स्मॉल फिंगर के जो बीच वाला जॉइंट है, मैंने कलर्स पहले ही ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं, तो ये जो बीच वाला जॉइंट है इसके ऊपर बिल्कुल बीचों बीच एक ब्लैक कलर का डॉट लगाएंगे, ऐसे बीच वाले जॉइंट में। इसके बाद ये स्काई कलर का लेंगे पेन, ये लाइट स्काई कलर का है, लाइट ब्लू कलर का। तो इसका जो बिल्कुल ब्लैक कलर के साथ में ये स्काई कलर का डॉट लगाएंगे ऐसे। इसके बाद येलो कलर का स्केच पेन लेंगे। तो ये येलो कलर का जो स्केच पेन है, ये थंब वाली साइड पे, ये थंब वाली साइड पे हम लोग इसको यहाँ पे कॉर्नर पे, बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर पे, एक ब्लैक कलर के साथ थोड़ा सा छोड़ के ये कॉर्नर पे येलो कलर का डॉट लगाएंगे। तो इसके बाद हम बैक साइड पे आएंगे, बैक साइड पे भी बिल्कुल मिडल में ब्लैक कलर का डॉट लगाएंगे, ऐसे ही जैसे आपको दिख रहा है। एक साइड पे येलो कलर का डॉट लगाएंगे एक पॉइंट छोड़ के, और एक साइड पे ऑरेंज कलर का डॉट लगाएंगे। ये आपको मैं क्लोज़अप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये बड़ा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है लूज मोशन के लिए। तो जब भी किसी को लूज मोशन की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ की साथ ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप घर बैठे बैठे ही अपना लूज मोशन का ट्रीटमेंट कलर से कीजिए, और कम से कम इसको 8 से 10 घंटे या 12 घंटे लगा के रखिएगा, और मेरे को इसके रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।